हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास क्लास फोर्थ सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 11। चैप्टर नेम है आवर हेरिटेज। तो हमारे हेरिटेज में क्या क्या आते हैं, हमने आवर म्यूजिक तक आपको रीड एंड एक्सप्लेन किया। आज हम आर्किटेक्चर बताएंगे। इंडियन आर्किटेक्चर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन का और जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। इंदूस वैली सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इवन 5000 ईयर्स एगो। हिंदू सिविलाइजेशन ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हमारा जो है इंडियन आर्किटेक्चर का, वो 5000 ईयर्स पहले का है। इन ओल्डन डेज मैनी टेम्पल्स वेयर बिल्ट बाई कटिंग रॉक्स सच एज कैलाश टेम्पल एट एलोरा। पहले के जो मंदिर बनते थे, टेम्पल बनते थे, वो रॉक्स की कटिंग करके बनाए जाते थे, जैसे कैलाश टेम्पल एट एलोरा का बना था। द स्तूप ऑफ सांची एंड सारनाथ आर आल्सो द ब्यूटीफुल स्पेसमैन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। स्तूप, सांची का स्तूप है, सारनाथ है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन आर्किटेक्चर है। देयर आर थ्री आर्किटेक्चर थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू वास्तुकला। ऑल द हिंदू टेम्पल है ब्यूटीफुल कैविंग ऑफ गॉड गॉडेस पीपल एंड एनिमल्स ऑन देयर वॉल्स। द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट अबू, द कोणार्क टेम्पल, द खजुराहो टेम्पल, थंजावुर तिरुपति एंड रामेश्वरम टेम्पल ऑल हैव ब्यूटीफुल कैरविंग। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई हैज अ ह्यूज हॉल विथ ऑन 1000 पिलर्स। हिंदू आर्किटेक्चर में दीवालों पे भगवान देवी देवता के और एनिमल्स की सीनरी जो लगाए जाते हैं, वो पहले बहुत सुंदर सीनरियाँ अपने दीवारों पे लोग सजाते थे। और इसमें दिलवारा टेम्पल, माउंट अबू, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, ये सब जो बने हैं, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर में आते हैं। मुगल आर्किटेक्चर, द तुर्क्स एंड मुगल्स मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दे बिल्ट डोम्स, मिनरेट्स, फोर्ट्स एंड मॉस्क्यू, द जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम एट देल्ही, फतेहपुर सीकरी एंड ताजमहल एट आगरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर ने भी हिंदू वास्तुकला में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें इन लोगों ने जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हुमायूं का टॉम एट देल्ही, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल आगरा का, ये सब एग्जाम्पल इन लोगों के दिखते हैं मुगल आर्किटेक्चर के। थर्ड है हमारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए जो आर्किटेक्चर है। द पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट इन दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये सारे एग्जांपल्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हैं। बिसाइड दिस दे बिल्ट चर्च, म्यूजियम एंड ऑफिशियल बिल्डिंग आल्सो। ये सारे ब्रिटिश सरकार ने बनवाए थे। मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर में आता है सम ऑफ द फाइन एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग और बहाई टेंपल एंड अक्षरधाम टेंपल इन दिल्ली, असेंबली बिल्डिंग ऑफ मुंबई एंड जयपुर एंड द विधानसभा ऑफ बेंगलोर। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में आते हैं। अक्षरधाम जो दिल्ली में है, मुंबई एंड जयपुर में जो विधानसभा बना है, ये सब मॉडर्न आर्किटेक्चर में आते हैं। देखिए यहाँ पे अक्षरधाम का मंदिर का दिया हुआ है। लिटरेचर बुक्स एंड मैनुस्क्रिप्ट्स, इंडिया हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ एंशियंट लिटरेचर विच इंक्लूड्स बोथ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इंडिया में जो साहित्य उन कलेक्शन में रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर भी हैं। द रामायण, द महाभारत, द वेद, द उपनिषद, द पुराण्स इंक्लूड इनटू रिलीजियस लिटरेचर। इस सारे हमारे रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं ग्रंथ। नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड स्टोरीज, नॉन रिलीजियस लिटरेचर में स्टोरीज, फॉक टॉल्स, ड्रामा, पोयम एसेट्रा बाय फेमस ऑथर। इसके फेमस लेखक भी हैं एन आई अकबरी एंड सहनामा ऑफ मुगल रूलर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स। ये सब एग्जांपल्स नॉन रिलीजियस लिटरेचर के हैं। फॉक टॉल्स एंड अदर स्टोरीज आर आवर
ओरल ट्रेडिशन पासड ऑन फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे देखिए द वेदास आर द फोर होलीस्ट बुक्स ऑफ द हिंदू रिलीजियस, ये फोर बुक्स हैं हिंदू रिलीजियस के। लैंग्वेज ड्रेस एंड फूड, यहाँ के लैंग्वेज ड्रेस एंड भोजन ये सब हम यहाँ पे जानेंगे। देयर आर 23 मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, 23 लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, 23 भाषा। इंडिया इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, और हिंदी यहाँ का वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। सिमिलरली ड्रेसेज ज्वेलरी एंड फूड वेरी फ्रॉम रीजन ऑफ रीजन एंड फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज। यहाँ के हिंदी में यहाँ की ज्वेलरी ड्रेसेज इस सब और फूड ये सब हमारे क्षेत्र में भिन्न होते हैं और हमारे इस समृद्ध विरासत का हिस्सा बनते हैं। द घाघरा चोली इज कॉमन इन गुजरात एंड राजस्थान वाइल द सलवार कमीज इज मोस्टली वॉर्न बाय वोमेन इन नॉर्थ इंडिया। घाघरा चोली गुजरात एंड राजस्थान में पहने जाते हैं और सलवार कमीज मोस्टली नॉर्थ इंडिया में पहने जाते हैं, वोमेन पहनती हैं। मैन वेयर कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता और लुंगी, शर्ट एंड ट्राउजर, और मैन यहाँ के कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता लुंगी एंड शर्ट ट्राउजर पहनते हैं। पीपल ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ के लोग डिफरेंट कंट्री में अपना डिफरेंट काइंड्स के फूड भी लेते हैं। इन नॉर्थ इंडिया रोटी दाल राजमा छोले चावल तंदूरी एंड बटर चिकन आर पॉपुलर वाइल इन साउथ इंडिया। इडली डोसा सांभर एंड कोकोनट वॉश फूड आइटम्स आर कॉमन। राइस सी फूड एंड कोकोनट प्रिपरेशन एंड एंजॉयड बाय पीपल इन द कोस्टल रीजियन, ये यहाँ के फूड हैं जो डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कंट्री में लोग अपने अपने मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। नो आई नो इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, द वॉल पेंटिंग्स इन द अजंता एंड एलोरा कैव्स इन महाराष्ट्र शो स्कैन टू सो टू लाइफ ऑफ बुद्धा। फॉल्क एंड क्लासिकल आर द टू टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन आवर कंट्री। इंडिया हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ एंशेंट लिटरेचर, तो इस चैप्टर को आप रीड करेंगे और इसे समझेंगे कि हमारे हेरिटेज मतलब हमारे विरासत में क्या क्या आते हैं और क्या क्या कैसे बना है, और वर्ड मीनिंग हम आपको कॉपी वर्क देंगे। आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।